क्योंकि मैं ना कोई ज्यादा बड़ी कलाकार थी, ना वक्ता थी, ना शास्त्री थी, मैं कुछ भी नहीं थी। आपकी छोटी बहन बेटी बन करके इस व्यास पीठ पर बैठ करके मैंने आप लोगों को 7 दिन की कथा सुनाई। तो चलते चलते कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, कल होली भी है, तो सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से, और अच्छे से बड़े आनंद से होली का त्योहार मनाना। और कहना चाहूंगी यादव, कुलदीप यादव, संदीप यादव, समरजीत यादव, ये कमेटी के जितने भी भाई लोग थे, इन लोगों ने बड़ा ही सम्मान किया और बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों के दर्शन हुए। अमित भैया जी के द्वारा, कमेटी के सभी भाइयों के द्वारा मेरा यहाँ तक आना हुआ, और मैं अमित भैया जी के घर में रह रही थी, तो इन्होंने, इनकी धर्म पत्नी ने, इनके पिताजी, सभी लोगों ने बड़ा आदर सम्मान किया, बहुत ख्याल रखा हर चीज का। तो कहते हैं ना कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, अगर भगवान ने चाहा तो किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसीलिए हम तो जानते क्षेत्र के लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए थे, तो जब तक गंगा यमुना में जल रहे, जब तक चांद तारे रहे, तब तक ये गांव हमेशा ऐसे ही अमर बना रहे, यहाँ के लोग ऐसे ही अमर बने रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे और ऐसे ही धर्म के कार्य करवाते रहे। बस यही आप लोगों से
हम कहना चाहेंगे और हमेशा इसी काम में ऐसे ही बड़े श्रद्धा भाव से लगे रहना, अपनी खून पसीने की कमाई करके, ईमानदारी का कमा करके और इस ऐसी कथा भागवत करवाते रहना, धर्म से जुड़े रहना, आपका उद्धार होता रहेगा। बोली गोविंद गुण भगवान की। आज हम आप लोगों से विदाई ले रहे हैं और कल भैया हमें अपने घर जाने हैं, कल नहीं मतलब आज ही निकलना है, कल घर पहुंच जाएंगे। ना ना कल तो घर पहुंची, मेरी गुजिया धरी ले रहे दिन की बनी।